हैप्पी बर्थडे बोल दो। हेलो व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज आकाश, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा जो है सही वो होने वाला है, मतलब एकदम फ्रेश ब्लॉग है। मतलब मेरे जो है पापा का बर्थडे है, सो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। सही है, अभी जस्ट सोचा ही है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि पापा का बर्थडे है। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि भाई उनका बर्थडे है, तो मैंने सोचा ठीक है चलो ठीक है करते हैं कुछ। तो फिर मैं सीधा मार्केट गया और मैंने कुछ शॉपिंग करी है। पहले तो आप वो वीडियो देख लो, ठीक है, फिर मैं करता हूँ बात। तो भाई आज मैं आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज मेरे पापा का है बर्थडे। तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ करते हैं डिफरेंट, तो मैं आज आया हूँ शॉपिंग करने उसी शॉप में जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको शो हो जाएगा, पहले आप वो ब्लॉग देख लें। काफ़ी बढ़िया कपड़े मिलते हैं यहाँ पर और मैं आपको अपने जो है कपड़े दिखाता हूँ। तो ये मैंने पापा के लिए लिया है और ये मेरे को पसंद आ गया भाई। तो आपको पता है मैं कहीं और से तो कपड़े लेता नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, क्वालिटी भी अच्छी है कपड़े की, सही है। तो इसलिए मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि मैं यहीं से कपड़े लेता हूँ। अगर कोई भी बाय करना चाहता है तो आराम से आ सकता है। अगर आपने मेरा वो पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो आप देख सकते हो, आई बटन भी ऊपर शो हो जाएगा, ठीक। तो आपने वो तो वीडियो देख ही ली होगी, सही है। तो उसके बाद जो है मैंने उनका गिफ्ट भी जो है बाय कर लिया और मुझे जाना था अभी केक ऑर्डर करने के लिए। और केक जो है मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, बट उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि उनका बर्थडे है, जो मेन बात है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है उनको सरप्राइज़ देना कैसे है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। सोच रहा, मैंने तो सबको पहले तो फ़ोन करके बोल दिया कि कोई भी विश नहीं करेगा, वरना मेरी बहन की आदत ये है वो 12 बजे रात को कॉल कर देगी। सबसे पहले तो मैंने उनको मना करा, ठीक है रात को आई थिंक 8 बजे सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरी प्लानिंग ये है, 7 बजे जो है मैं पिकअप करूँगा अपना केक, उसके बाद जो है सेलिब्रेट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। मेरी प्लानिंग ये है, तो बाकी देखती हैं उनका रिएक्शन जो है कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो बने रहना मेरे साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई पापा जो है आ चुके हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है। मैंने स्टेटस लगा रखा था व्हाट्सएप पे और लोग जो है उनको विश कर रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटमेंट हो, बड़ा मतलब कि सही लग रहा है मेरे को। और खाने पीने का सामान ले आए हैं सारा और नीचे चलते हैं अभी और आपको दिखाते हैं, ठीक है। केक कटना है ठीक है। फ्लैश ऑन कर लगे गलत अगे अद पास अगे अगे अंदर अंदर अभी थोड़ा जोड़ लेंगे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बोल दो।
फोटो नहीं आ रही है तू भी खुआ दे चलो बढ़िया लो जी करो गल पूरा पेदा ये मर्जी ले आ गए हेलो असास लगे छूगा तेरा तो भाई फाइनली फाइनली केक कट हो गया, अभी पार्टी चल रही है और सबसे बातें हो रही है, तो देख लो कितने खुश है यार। मतलब बहुत टाइम बाद मतलब कि ये केक कट हो रहा है, बहुत टाइम बाद और बहुत एक्साइटमेंट है। अभी केक खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, ये देखो करो शुरू ठीक है ठीक है। क्यों तुम क्यों देने दसो पार्टी में कितनी पैसे तरीको देने ना 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 चलो चलो खाओ 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 मोटा करो लस्सी हो ना यार यार गाइस केक को गाल लिया ये तो दिया ही नहीं तो भाई ये पिछले दिन आया है इसमें इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए चलो आ जाओ बाहर चल फ्रिज अंदर बनाओ फाइनली गाइस जो सोचा था वो कंप्लीट हो गया और आपने देखा ही है, उनको पता ही नहीं था कि उनका आज बर्थडे है, तो बहुत अच्छे तरह से हो गया यार। मैं बता नहीं पा रहा बट मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था और काफ़ी अच्छे से हो गया यार। मतलब कि आई थिंक ये पहली बार पापा का जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं और मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आज। और मेरे पास फ़ोन नहीं था भाई, पहली बात तो ये, तो फ़ोन जो है वो मेरे एक भाई का है, वो मेरे पीछे बैठा है, किधर गया ये रहा, तो इसका फ़ोन है भाई, इसके फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फ़ोन हो चुका ख़राब, तो बस यही बताना था। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बात बोलूँगा कि यार आप भी जैसे ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ठीक है ना, अगर आपने भी कभी बर्थडे सेलिब्रेट किसी भी फैमिली मेम्बर का अगर आपने घर पे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा तो प्लीज़ आप एक बार करें और फिर आप उनके जो चेहरे की है जो खुशी देखेंगी कितने खुश होते हैं। मतलब कि ये अनएक्सपेक्टेड वाली जो फीलिंग होती है वो ये थी, इनको पता ही नहीं था कि मैं आज सेलिब्रेट करने वाला हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में।